हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल सो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यू पी आर टी ओ यू के प्रीवियस ईयर पेपर में एम ए होम साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर की स्टिल गाइज अगर आप बी एस सी होम साइंस भी कर रहे हैं यू पी आर टी ओ से तो भी आपके एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है और इसके अलावा अगर आपके कोर्स का टाइटल इससे मैच करता हुआ है टेक्सटाइल डिजाइन एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन यानी कि अगर आप बी एस सी में हैं और कोर्स का टाइटल ये इनमें से कोई सा है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर वैल्यूएबल होगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे

देख सकते हैं सिक्स क्वेश्चंस आपको टोटल आंसर करने हैं थ्री क्वेश्चन सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में से और दो क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से अटेम्प्ट करने हैं यहाँ पर पूरी चीजें लिखने के बाद सेक्शन ए जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपका रहेगा यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं तो 48 मार्क्स के लिए आपको टोटल क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करनी होंगी वर्ड लिमिट आपकी 500 हंड्रेड टू एट वर्ड्स रहेगी इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वर्ड लिमिट में भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ सेम बीएससी पैटर्न के एग्जाम के लिए भी जो बी एस होम साइंस होगा उसमें भी आपको यही वर्ड लिमिट और इसी तरह से फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर तो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन चलिए मैं आपको पहले वर्ड लिमिट क्लियर कर देती हूँ तो इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो फोर टू फाइव पेजेस का लिख देना ना चाहिए आपका इतने के लिए इनफ रहेगा फोर एंड हाफ भी आप लिखते हैं तो भी वो काफी रहेगा तो से फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कलर थ्योरी राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस कलर थ्योरीज हिंदी में भी आप उसको रीड कर सकते हैं पेपर आपका ये बायलिंगुअल दिया जाता है सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन एंड दे और यूज इन क्लोथिंग कपड़ों के निर्माण और कपड़ों में उनके उपयोग के बुनियादी सिद्धांतों की व्याख्या करिए थर्ड क्वेश्चन देखिए गाइस व्हाट राइट डिफरेंस बिटवीन वार्म एंड कूल कलर्स राइट व्हाट आर नोटेशंस आर एसोसिएटेड विद देयर कलर्स डीज कलर्स होगा यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो गाइज देखिए ये सेम क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी रिपीट हुआ था तो इसलिए मैं कहती हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा यूजफुल है खैर ये शॉर्ट्स में पूछा गया था आपका वार्म कूल कलर से रिलेटेड बट देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है बट ये क्वेश्चन रिपीट होने के या टॉपिक रिपीट होने के चांसेस आपके एग्जाम में पूरे रहते हैं तो ऐसे फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विद एक्सम्पल्स और फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था आपके से, इस वाले सेक्शन का वो तो डिस्क्राइब वेरियस ट्रेडिशनल वुवन फैब्रिक्स ऑफ इंडिया चलिए आगे मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर टेन मार्क्स के लिए आपका एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा वर्ड लिमिट आपके सेक्शन बी में क्वेश्चन के लिए रहती है वन टू थ्री वर्ड्स इस वर्ड लिमिट के लिए आप अपना आंसर टू 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 एंड ए हाफ पेज में लिख सकते हैं इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा टेन मार्क्स स्कोर करने के लिए तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट पॉइंट्स यू विल कंसीडर वाइल डिजाइनिंग ड्रेस फॉर फिगर टाइप तो यहाँ पर आपको चार ऑब्जेक्टि दिए गए हैं इनको लेकर के बेस को लेकर के आपको फिगर टाइप के ऊपर नोट्स लिखने हैं तो यहां पर आप इसको हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हैं जो आपका सेकेंड चॉइस के अंदर क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन रूल्स फॉर टेकिंग मेजरमेंट एंड मैथड फॉर टेकिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मेजरमेंट यानी कि माप लेने के नियम और शरीर के विभिन्न अंगों को नापने की विधि की व्याख्या कीजिए लास्ट से लास्ट ईयर यानी कि ट्वेंटी वन के अंदर ये जो क्वेश्चन था आपका यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जल्दी तो उसमें भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके माप लेने के नियम से रिलेटेड तो देखिए ये फिर से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल गया है चलिए आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है जो आपका इस यूनिट का लास्ट सेक्शन रहेगा और यहाँ पर ट्वेल्व मार्क्स के लिए आपको दो क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट होंगे वर्ड लिमिट आपकी फिफ्टी टू हंड्रेड वर्ड्स रहती है इस वर्ड लिमिट के लिए जो आपको अपना आंसर लिखना चाहिए वो वन टू वन एंड हाफ पेज का लिख दे लिख देना चाहिए अदरवाइज आप वन पेज लिख करके भी छोड़ते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ रहेगा अगर आपके पास टाइमिंग है तो आप इस सेक्शन को पहले अटैम्प्ट करिए मतलब आपको इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो मेरी सजेशन रहेगी आप इसको सेक्शन इस को अपने एग्जाम में सबसे पहले अटैम्प्ट करिए क्योंकि नियर अबाउट टू पेजेस आपको लिख

ब्लॉक लास्ट क्वेश्चन जो आपके सेक्शन का पूछा गया था ड्रॉ डिजाइन फॉर बतीक इन फाइव इंच है टेक्सटाइल वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा क्लियर होगा इसमें क्या उनको ड्रॉ करना है चीज़ें तो यहां पर आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी स्कोर अच्छा कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर आपके साथ शेयर करी हुई है आप वो भी देखिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन बूस्ट करने में हेल्प करेगी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय